बड़ी खबर देखिए राजनीति के मैदान से है। अब नए संसद भवन को लेकर संग्राम चिड़ गया है। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने नए संसद भवन को मॉल और होटल की तरह बता दिया। अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयराम रमेश पर पलटवार किया है। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस देश के 140 करोड़ की जनता की आकांक्षाओं का अपमान कर रही है। नड्डा का कहना यह भी है कि इस तरह का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, मानसिकता को बताता है। कांग्रेस अब संसद का भी विरोध कर रही है। बीजेपी अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस को घेर रही है। जयराम का बयान जनता का अपमान है। नड्डा ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो ये कह रहे हैं कि नई संसद का भी विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है और इस वक्त कांग्रेस वही कर रही है। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे नए संसद भवन पर जयराम रमेश के बयान के बाद बवाल छिड़ा है। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो बयान दिया। जयराम रमेश ने नए संसद भवन को मॉल और होटल बता दिया। उन्होंने लिखा कि 2024 में सरकार बदलने के बाद इसके बेहतर इस्तेमाल का तरीका ढूंढा जाएगा। अपने पोस्ट में उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये नए संसद भवन की तस्वीर है जिसमें अभी विशेष सत्र का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सब लोग पहुंचे थे, आपने कार्यवाही देखी थी। और अब जयराम रमेश का जो पोस्ट है वो उसके बगल में उन्होंने लिख दिया है कि ये किसी मल्टीप्लेक्स की तरह है, जब सरकार बदल जाएगी तब हम इसके नए तरीके से इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। निधि श्री जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। निधि, 24 माथे पर है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये वो वक्त है जब फूक फूक के पार्टियां कदम रखती हैं, कोई बयान देती हैं, और कांग्रेस नेताओं का ऐसा ट्वीट, ऐसा पोस्ट। देखिए विवेक, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जयराम रमेश या विपक्षी दलों के किसी नेता की तरफ से नई संसद भवन को लेकर के कोई इस तरीके का बयान सामने आया हो। और अब चूंकि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल जो है वो दोनों सदन से पास हो गया, और आज जयराम रमेश का ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो नई संसद है वो मोदी मैरियट या पैलेस का नाम उन्होंने दिया। और उन्होंने बाकायदा लिखा है, लंबी चौड़ी उनकी ट्वीट अगर आप देखेंगे जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन में उसका चूंकि आकार जो था वो गोल था और इस वजह से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत होती थी, वो मौका ढूंढते थे पुरानी संसद में, जबकि नए संसद में किसी से कोई राय नहीं लिया गया, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और नई संसद की इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण उस पूरे ट्वीट में यही है, उन्होंने कहा कि जब 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा तब नई संसद का क्या इस्तेमाल किया जाए इस पर जो है वो विचार किया जाएगा। जब चुनाव सिर पर है और निधि, ये जो बयान दिया गया है जयराम रमेश की तरफ से जिस पर अब बीजेपी चौतरफा घेर रही है, ये जानबूझ करके नफा नुकसान को ध्यान में रखकर के दिया गया बयान है या फिर ये लग रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा बोल गए जयराम रमेश जो अब आने वाले वक्त में इसका असर भी दिखाई देगा चुनावों में? देखिए विपक्ष एक बार फिर से विपक्ष को घेरने की कोशिश ज़रूर करेगी बीजेपी, क्योंकि इस तरीके का जो बयान है, मैंने कहा कि बिल्कुल 2024 जो है वो सिर पर है और इस तरीके से अगर कोई बयान आता है जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता की तरफ से तो उसको बीजेपी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और सबसे पहले जेपी नड्डा ने, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद गिरिराज सिंह भी हमलावर है। उन्होंने कहा कि जो अगर हम उनकी ट्वीट को देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुराने पीएम के जितने याद में जो चीज़ें हैं उसको सबसे पहले जो है वो वापस किया जाए। और जयराम रमेश के बारे में मैं बात कर रही थी कि उन्होंने ये पहली बार ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि किस तरीके से ये पीएम मोदी जो है वो इस नए संसद का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने ये अगर आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि डिक्टेटरशिप का करार दिया था और ये कहा था कि हर एक तानाशाह जो है वो अपने पीछे आर्किटेक्चरल विरासत जो है वो पीछे जो इनका पोस्ट है इसको लेकर काफी बवाल तो छिड़ना ही है और बीजेपी इस पर घेरने की कोशिश करेगी। आगे और सियासी बवाल बढ़ता जाएगा, आपको अपडेट देंगे। नए संसद भवन पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाद अब आरजेडी भी नए संसद भवन को लेकर सवाल उठा रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उनका कहना है कि नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल ही नहीं है। सुनाते हैं। इस तरह की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाएंगे तो ये उसी तरह की बात होती है जैसे मोदी जी करते हैं कि अचानक से ये कर दो, अचानक से वो बड़ी गहन चर्चा से होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, जो ग्रेस और मैजेस्टी उस बिल्डिंग में थी,
दूसरा एक बहुत अच्छा पहलू है, हम जब सदन में बैठते थे ना तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जाकर के एक संवाद रहता था, एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल सिर्फ चाय कॉफी की जगह नहीं थी, आज हमारे पास कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।